हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम रील्स वायरल स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फ़ोटो से या किसी भी वीडियो से कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की वायरल स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VN ऐप। आपको VN ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके VN ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एक वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। आप इस वाइट बैकग्राउंड को गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एरो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वाइट बैकग्राउंड VN ऐप में ऐड हो जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है ओरिजिनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको वीडियो के एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड मिलेगा, इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अब आपको वीडियो के शुरू में आ जाना है। गाइस, आपको वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एफएक्स वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे, तो आपको फर्स्ट में ही एक ब्लैक वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसको आपको वाइट बैकग्राउंड में लगा देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं ब्लैक इफेक्ट हमारे वाइट बैकग्राउंड में लग चुका है। अब आपको ब्लैक इफेक्ट की लेयर को खींचकर वाइट बैकग्राउंड की लेयर के बराबर कर देना है। इस तरह से आपको इफेक्ट को लगा देना है। अब आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब गाइस, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूजिक वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एस्ट्रिक फ्रॉम वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस साउंड वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से गाइस, आपको साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा साउंड है जो यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका साउंड है जो वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में साउंड लग चुका है। अब गाइस, आपको वीडियो के एंड में जाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फ़ोटो पर आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एरो वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो है जो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब गाइस, आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको इसमें इफेक्ट को लगा देना है। आपको एफएक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगी। जिस भी इफेक्ट को आप लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो गाइस, हम इस वाले इफेक्ट को लगा देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। अब आपको गाइस, इस फोटो को बीच में से कट कर देना है। कट करने के लिए आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी फोटो है जो बीच में से कट हो चुकी है। अब आपको फिर से फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फिर से इफेक्ट को इसमें लगा देना है। आप इसमें जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो गाइस, हम इस वाले इफेक्ट को लगा देंगे। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब आपको वाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको आपको वाइट बैकग्राउंड को थोड़ा सा छोटा कर देना है। इस तरह से साउंड के हिसाब से आपको वाइट बैकग्राउंड को छोटा कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चला कर देखेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।